धामनोद के समीप टंटिया भील धाम पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आदिवासी भील समाज संगठन ने टंटिया भील का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। आदिवासी क्रांतिकारी टंटिया भील का शहीद दिवस तो बड़े स्तर पर मनाया, लेकिन जन्मदिन पर सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं की। आदिवासी भील समाज संगठन के द्वारा गणतंत्र दिवस कोरोना वायरस के तहत मनाया गया है, साथ ही संगठन की ओर से मास्क वितरण भी किया गया है और धामनोद नगर की कार्यकारिणी भी गठित की गई है। जिला अध्यक्ष संतोष कटारे के द्वारा मुकेश परमार को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनिल मंडलोई को कोषा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और दिल से और 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा अपने भील समाज संगठन के जो हमारे बीच जो भी खड़े होते हैं भील समाज के, उनके लिए मैं खड़ा उतरूँगा, 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। जब भी कहाँ भी कैसे भी मुसीबत आए तो हमें याद करें, हम वहाँ हाजिर रहेंगे और सबको सहयोग देंगे। सर आपका सुनना। सूरज जांगड़े। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निर्माण किया है और गणतंत्र दिवस हम हर साल मनाते आते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ हमारे जननायक टंटिया मामा का जन्मदिन भी है, तो दोनों उत्सव हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के हित में आते हैं, तो यहाँ हम समाज को और देश को एक सूत्र में बांध लेंगे। समाज के सब एकजुट होकर रहेंगे। आदिवासी भील समाज का हमारा सभी से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ के यह विनती है सर कि हम सब जो भी लोगों को लूटते हैं आदिवासी भाइयों के नाम पे, उन लोगों को हम आदिवासी इससे पद से बाहर करेंगे। आदिवासी भील समाज संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कटारे जी के नेतृत्व में आपको आज कौन सा पद दिया गया है? उन्होंने पद दिया धामनोद नगर अध्यक्ष का। नगर अध्यक्ष का। सर आज आप किस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं? आज हम हमारे आदिवासी भील समाज संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कटारे जी के नेतृत्व में टंटेश्वर धाम भोडल में हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। झंडा वंदन वहीं पर आज हमने किया है और गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ में ही आज हमारे महापुरुष टंटिया भील की जन्म जयंती भी मनाई गई है, जिसमें सभी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीण लोगों का बहुत योगदान रहा है इसमें। अनिल मंडल, आज आपको किस पद पर आश्रित किया गया है? कोषा अध्यक्ष धामनोद। आपको आदिवासी भील समाज संगठन के कोषा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इस बारे में आप आदिवासी भील समाज संगठन जिला अध्यक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कोषा अध्यक्ष बनाया है, इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी भी हुई है और अन्य लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि सभी ग्राम होटल में टंटिया मामा की मूर्ति के मूर्ति भी है, यहाँ पर सभी एक युग से एकांत में कुछ भी कार्यक्रम रहे तो यहाँ पे सब इकट्ठे होकर एक युग से कुछ भी काम के लिए फंस जाए आदिवासी तो आधी रात को यहाँ पे इकट्ठे होके कार्य करेंगे और आधी रात को उपस्थित रहेंगे। आने वाले समय में समाज के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप उपस्थित रहेंगे? हम 24 घंटे एनी टाइम आधी रात को किसी भी समय हमें याद करो, हम 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। संतोष कटारे, धार जिला अध्यक्ष आदिवासी भील समाज संगठन। सर आज टंटेश्वर धाम भडल पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इनमें क्या क्या योगदान रहा है सभी साथियों का? सभी साथियों एकजुट होकर आज हमारे देश का जो 73वां गणतंत्र दिवस है उसको मनाने के लिए सब एकजुट होकर आए हैं। उसमें हमारे भोडल के, धामनोद के, सनकोटा के, अपने सेमलदा और तारापुर और महेश्वर के बहुत सारे साथी आए थे और सबने मिला के 73वां गणतंत्र दिवस और हमारे महान जननायक टंटिया मामा भील का जन्मदिन मनाया। सर आज कुछ साथियों को पद भी दिए गए हैं। हाँ, इसमें भील समाज संगठन ने कभी धामनोद नगर परिषद के अंदर कार्यकारिणी घोषित नहीं की थी, आज नगर परिषद धामनोद की कार्यकारिणी घोषित की है, उसमें हमारे मुकेश भाई परमार को हमने नगर परिषद अध्यक्ष और अन्य को पद दिए गए। सर आज गणतंत्र दिवस के बाद टंटिया भील की आज जन्म जयंती भी मनाई गई है क्या? जन्म जयंती मनाई गई और बड़े धूमधाम से मनाई गई, क्योंकि ये क्रांतिकारियों का वो मसीहा है जिन्होंने देश के लिए हर क्षेत्र में, हर कोने में और हर लड़ाई लड़ी, ये वो मसीहा, उनकी जन्म जयंती बहुत धूम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।